Assalamualaikum guys, क्या हाल है सबका? ठीक ठाक खैरियत से हैं। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, घर पे सेफ होंगे। तो आज जो है इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी नॉट अ स्पेशल डे, बट वी आर गोइंग टू डू समथिंग वेरी स्पेशल टुडे। लाइक नॉट समथिंग स्पेशल बट समथिंग स्ट्रेंज, जिसको सुन के काफ़ी सारे लोग जो हैं उसको सुन के जो है वो डर जाते हैं, या फिर उसकी बहुत सारी कह लें कि अफवाहें हैं, र्यूमर्स हैं कि भाई ये चीज़ करने से जो है वो ऐसा होता है, वैसा होता है, इंसान ज़िंदा नहीं बचता और ये वो। ज़ाहिर बात है आपको जो वीडियो का टाइटल है वो देख के पता चल ही गया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो आज मैं और आदिल भाई हम दोनों जा रहे हैं कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए, और जो एक स्पेसिफिक स्पॉट बना हुआ है सियालकोट के अंदर, विच इज़ हॉकी स्टेडियम ऑन पसरूर रोड, हॉकी ग्राउंड। तो वहाँ पे हम जा रहे हैं इस वक्त लगवाने के लिए वैक्सीन। तो आई एम नॉट नर्वस, लेकिन थोड़ा सा वो एक होता ना कि इट इज़ अ फैक्टर कि इंसान जब कोई चीज़ ट्रेंज करने जा रहा हो। वैसे तो इंजेक्शन काफ़ी सारे लगवाए हैं, काफ़ी दफ़ा लगवाए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कभी डर नहीं लगा। तो देखते हैं कि आज इंजेक्शन लगवाते हैं हम तो फिर उसके बाद क्या होता है। और मौसम जो है वो भी आज अल्हम्दुलिल्लाह अगेन, एक तो कल रात को बारिश हुई थी, कल रात को अचानक तूफान बड़ी ज़ोर का आया था, और अभी जो है फिर से मौसम अचानक से ही थंडरिंग एज यू कैन सी, और बारिश भी एज यू कैन सी के हो रही है। तो आई विश कि मौसम अब थोड़ा सा चेंज हो जाए, क्योंकि गर्मी जो है उसने पिछले कोई एक दो वीक में बहुत ही बुरा हाल किया, लाइक लिटरली बहुत, लाइक 43, 44, 45, 47 तक गया टेम्परेचर मेरा ख्याल है, 48 तक गया शायद, मतलब अराउंड 45 प्लस जो है ना टेम्परेचर गया, एंड दैट वाज लाइक वेरी किलिंग टेम्परेचर। तो अल्लाह हैर करे और अल्लाह ताला जो रहमतों वाली जो है बारिश बरसाए। और साथ ही साथ व्लॉग बनाने का मकसद ये है कि एटलीस्ट आई कैन मेक सम काइंड ऑफ अ मोटिवेशन आप लोगों के लिए, कि आप लोग भी उस चीज़ से मोटिवेट हों जो क्या कहते हैं र्यूमर्स हैं उनके ऊपर आप बिलीव ना करें, और आप भी जाके अपने आप को कोरोना वायरस से सेफ करें, उसकी वैक्सीन लगवाएं, और अपने आप को, घर वालों को, दोस्तों को, सबको जो है वो आप भी बचाएं और उनसे भी बचें। सो फाइनली गाइस, वी हैव रीच्ड द मास कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर। दिस इज़ द वैक्सीनेशन सेंटर जहाँ पे हम आए हैं। अभी जो है हम लोग जाएंगे अंदर, और लोग अभी भी यहाँ पे हैं, थोड़े बहुत रश वगैरह है, बट जाकर राइट नाउ वी आर स्टैंडिंग इनसाइड द वैक्सीनेशन सेंटर, और यहाँ पे ये है कि रश काफ़ी ज़्यादा है, हालांकि लाइक 10:30 राइट नाउ, लेकिन रश जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पे जो मतलब वो इतने सारे बने हुए हैं, कैबिन्स बने हुए हैं, आई उनको देख कर ना मैं पैनिक हो रहा हूँ। आपका कोई पैनिक अटैक हो रहा है कि नहीं? नहीं हो रहा है, नॉर्मल फीलिंग, नॉर्मल। तो जो है आदिल भाई को फर्स्ट वैक्सीन लगने वाली है। आई एम थोड़ा सा डरा हुआ, तू ही पास होने दो साल ही टाइम बस दो बस डॉक्टर साहब मैं दो साल का उन्हें गया, सारी दुनिया ने चले ना, तू कल्याण एक घंटा तू भी लगवा ल करना। तो जी इट इज माय टर्न फॉर द वैक्सीन, और क्या है कैसा फील कर रहे हैं आदिल भाई?
इतना आपको एक्टिव किया गया, आपने एक्टिव फील करना। आदिल भाई के तो उन्होंने पूरी जाना वो शर्ट उतरवा ली थी कि भाई वो बाजू बहुत टाइट था, तो आई विश कि मेरी शर्ट ना उतरवाई जाए। तो शायद जो वैक्सीन है वो आपके लाइक लगती है थोड़ा सा हाई साइड पे ना, तो अब पहली बात है मुझको भी अभी अपनी जो शर्ट है वो थोड़ी सी उतारनी पड़ी। तो अभी भाई साहब कहीं गए हैं जिन्होंने लगाना है, और वेटिंग वेटिंग बिस्मिल्लाह करें। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, वेट रोड बहुत ख़राब है, बहुत ही ख़राब रोड है जी। तो मैं कह रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह गाइस वैक्सीन का जो प्रोसीजर है वो ख़त्म हो गया, लाइक इट हार्डली टुक अराउंड 10 मिनट्स और लेस मे बी, एंड दैट इंजेक्शन प्रोसेस वाज अराउंड लाइक बस वो इंसर्ट किया एंड इट वाज फिनिश्ड। तो ना तो उसका पता चला मुझे कि कुछ अंदर गया भी है कि नहीं, बिकॉज दैट नीडल वॉज वेरी थिन, और ओवरऑल तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जो वो जो र्यूमर्स होती हैं उनके बारे में सोच सोच के कुछ थोड़ा सा वो पैनिक सिचुएशन हो रही है, लेकिन अदरवाइज अल्हम्दुलिल्लाह इट्स फाइन। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसी बात नहीं है। एंड द प्रोसीजर इज़ वेरी सिंपल, आपने जो है सिर्फ अपना जो आईडी कार्ड नंबर है वो आपने 1166 के ऊपर उसको टेक्स्ट करना है, लाइक जस्ट योर आईडी कार्ड नंबर, और फिर आपको उसका रिप्लाई के अंदर आएगा जी कि आपका ये आईडी कार्ड नंबर है, और किसी भी करीबी वैक्सीनेशन सेंटर में जाके आप अपना जो है वो वैक्सीन करवाएं, प्लस दे विल गिव यू अ कोड नंबर। इस तरह के यहाँ पे यू कैन सी के ये एक कोड नंबर है, ठीक है, ये जो कोड नंबर है आपने वहाँ जाके उनको देना है, उनको बताना है कि जी ये मेरा कोड नंबर है, और फिर वो आपका बेसिकली एक फॉर्म फिल होता है, उसमें आपका नाम होता है, नंबर होता है, आईडी कार्ड नंबर होता है, और उसके अलावा ये कोड नंबर होता है। उसके बाद ये फिर आपको इंजेक्ट करेंगे, विच टेक्स हार्डली अ सेकेंड और अ टू, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा वो अगर आप इफ़ यू आर कमिंग ऑन लाइक इफ़ यू आर कमिंग इन द मॉर्निंग तब देर आर पॉसिबिलिटीज़ के रश होगा एंड यू हैव टू लाइक वेट इन द लाइन। और अभी ये है कि अभी थोड़ा सा कम रश था, लेकिन हमारा क्योंकि एक मतलब थोड़े से वो यू नो लिंक थे, तो इसलिए फिर हमारा जो है वो काम जल्दी जल्दी हो गया। लेकिन बात ये कि र्यूमर्स से आप बचें, वैक्सीन ज़रूर करवाएं, और वही बात है कि अपने आप को, अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को सेफ़ रखें, और उनसे भी सेफ़ रहें, उनको भी मोटिवेट करें कि भाई आपको जो है वो वैक्सीन लगवानी चाहिए, क्योंकि वी नीड टू हैव अ सेफ कंट्री, सेफ होम, सेफ नेबरहुड, एंड एवरीथिंग शुड बी सेफ। तो आज का ब्लॉग यहाँ तक ही है, आपसे मुलाकात होती रहेगी, वैक्सीन लगवा लिए डजंट मैटर, मुलाकात होती रहेगी। तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट ब्लॉग में। हर बार की तरह अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।